तो जो अभी तक की वीडियो में आपने देखा किस प्रकार से हम नीचे गांव से अपने गांव मांदरा बासर से यहां नागराजा देवता के मंदिर में दर्शन करने के लिए आए। इसके बाद हम यहां से होते हुए जा रहे हैं माता राजराजेश्वरी मंदिर में दर्शन करने के लिए, जो कि चूलागढ़ में उपस्थित है। और ये है यहां नागराजा देवता में कमरे हैं, ये कुछ इस प्रकार से कमरे यहाँ बनाए गए हैं। यहाँ से पीछे से रास्ता होते हुए जाता है चूलागढ़ के लिए, तो यहाँ से हम जाएंगे। अब जो नागराजा धार की जो चढ़ाई है उसे हम सीधे नीचे की तरफ उतर रहे हैं, और आप देख सकते हैं एकदम नीचे यहाँ पर ढलान है। तो यहाँ से धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ेंगे और माता राजराजेश्वरी के मंदिर में पहुँच जाएंगे। और रास्ता भी आपको दिखाएंगे किस प्रकार से है यहाँ जंगलों के बीच से। वैसे पता इतना चलता नहीं है, आसपास सारे जो पेड़ हैं एक जैसे नज़र आते हैं, तो रास्ते का भी ज़्यादा कुछ पता चलता नहीं है। लेकिन नीचे सड़क तक पहुँचना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ रास्ते अब सड़क की वजह से ख़राब हो चुके हैं पुराने। और रहा सामने ये जो चोटी दिखाई दे रही है, ये है माता राजराजेश्वरी। तो अभी हम काफ़ी नीचे उतर चुके हैं ऊपर नागराजा धार से। नीचे सड़क आपको दिखाई दे रही होगी, ये है सड़क। तो सड़क के किनारे किनारे, वैसे हम अभी सड़क से काफ़ी ऊपर हैं, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले तो खैर काफ़ी हम इस जंगलों से होते हुए जाया करते थे, लेकिन अभी धीरे धीरे कम हो चुका है यहाँ से आना जाना, क्योंकि पहले गाय भैंस जब रहती थी तो इन जंगलों में हम काफ़ी ज़्यादा घूमा करते थे। लेकिन अब गाय भैंस किसी की है नहीं, तो हम लोग आज यहाँ काफ़ी साल के बाद आए हैं। अगर हम नागराजा मंदिर से सीधे सड़क के लिए नीचे उतरते फिर हमें आगे की तरफ ज़्यादा बढ़ना पड़ता, तो इसलिए हम धीरे धीरे आगे की तरफ यहीं से बढ़ते जा रहे हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ सड़क में, और यहाँ से अब सड़क के साथ जाएंगे माता राजेश्वरी के मंदिर में। वो देखिए सामने, हम ऐसे ऊपर से उतरे हैं काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई से, इसके ऊपर है नागराजा धार और पहुंच चुके हैं सड़क में। तो अब खैर नज़दीक ही है माता राजेश्वरी का मंदिर, आपको सीधे मिलते हैं माता राजेश्वरी के मंदिर नीचे गेट में। तो वहाँ गेट से ऊपर जो चढ़ाई है वो आपको दिखाएंगे। अभी हमने दर्शन करे हैं माता राजराजेश्वरी मंदिर में, और फिलहाल अभी यहाँ पे महाराज जी थोड़ा चाय वगैरह बना रहे हैं हमारे लिए। तो ये है महाराज जी का कमरा, और ये है हमारे महाराज जी। यहाँ पे हम चाय पियेंगे। हमारा खुद का ठिकाना नहीं, तो हम तुमको कहाँ से खिला देंगे? सब खिलाने वाले वो असली तो वो जो है बैठी अंदर। और हमारे स्थानों में ना, जैसे गुजरात में भी जाऊंगे तो चाय पी ले, चाय में चाय नहीं पीता, चल कॉफी पी, कॉफी भी नहीं पीता, चल नींबू का पानी पी। और ये जो हरियाणा के हमारे स्थान है वहाँ वो नींबू के पानी की जगह पे लस्सी चलती है, और गुजरात वाले स्थान में वो लस्सी नहीं है ना, मगर वो फिर भी नींबू का पानी से काम चला देते, नींबू पड़े रहेंगे हमारे यहाँ। तो अभी ये है माता राजराजेश्वरी का मंदिर, और यहाँ मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ। लेकिन अब यहाँ एक नए मंदिर का निर्माण होने वाला है। अगर आप में से कोई भी लोग यहाँ कुछ भी दान करना चाहते हैं तो आप यहाँ दान कर सकते हैं। यहाँ पे जो है अकाउंट नंबर और ये IFSC कोड यहाँ पे दिया गया है, तो इस अकाउंट नंबर पर आप जितना भी आपसे
दान हो सकता है, यहाँ मंदिर में आप दान दे सकते हैं, ताकि यहाँ जो नया मंदिर बनने जा रहा है माता राजराजेश्वरी इस चोलागढ़ में, तो उसका एक भव्य निर्माण हो सके। तो अभी हम लोग वापस आ चुके हैं माता राजराजेश्वरी मंदिर से, यानी कि चोलागढ़ से, और फिलहाल आप जो भी यहाँ पे बच्चे देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे अभी चोलागढ़ की तरफ जा रहे हैं, कम से कम 30 और 35 के आसपास ये संख्या होगी बच्चों की। तो ये बच्चे यहाँ लशाल गांव में कुछ कैंप चल रहा था मेरे ख्याल से, बच्चों की कुछ प्रतियोगिता का कैंप था, और वहाँ से सीधे ये माता राजराजेश्वरी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं चोलागढ़ की तरफ। तो ऐसे भक्त काफ़ी आते रहते हैं बीच बीच में माता के मंदिर में दर्शन के लिए। चोलागढ़ से वापस घर की तरफ आते हुए अभी हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ मलकोट गांव के पास। तो हमने सोचा कि जब जाएंगे तो ऊपर वाले रास्ते से होते हुए नहीं जाएंगे, यहाँ नीचे मलकोट गाँव से होते हुए चले जाएंगे, क्योंकि चाचा जी और राहुल काफ़ी साल बाद गांव की तरफ आए हैं, तो मलकोट गांव की तरफ आना जाना उनका हुआ नहीं है। तो ये है सामने मलकोट गांव, और अभी हम मलकोट गांव के बीच से होते हुए मांदरा की तरफ जाएंगे। इस प्रकार है यहाँ पे मलकोट गांव। तो जिस रास्ते से हम होते हुए आए हैं ना, वहाँ से वैसे कम घर दिखते हैं, मलकोट गांव में काफ़ी लोग रहते हैं, वैसे काफ़ी मकान है वहाँ। तो जो नीचे से रास्ता आता है वहाँ आसपास जो घर थे वो मैंने आपको दिखाए, बाकी ये है रास्ता यहाँ खेतों के बीच से होते हुए जाता है सामने हमारे गाँव की तरफ, और ये दिख रहा है रोड़ी चाचा जी का घर यहाँ से। और आजकल खैर यहाँ जो उखड़ वाले ये खेत हैं सारे, यहाँ कुछ बोया नहीं गया है, ऐसे ही रखा हुआ है अभी। तो यहाँ इन लोगों ने आ रहे हैं हमारे दो सूरवीर योद्धा, जिनके साथ आज इतना ज़्यादा चल के आए हैं भाई, हम काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग करके आए हैं आज, और अभी थके हारे राहुल भट्ट तो कुछ ज़्यादा ही थक चुका है, ये लेवल भूख लगेगा भूख ना सगर के आ रहे, भूख नहीं लगी। और ये है कुंडी जहाँ मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले कि नीचे कुंडी पड़ता है पारे मांदरा से नीचे, तो यही है कुंडी, इस जगह को कहते हैं कुंडी। और यहाँ से होते हुए जाएंगे हम घर की तरफ, यहाँ कुछ लोग घास वगैरह काटने के लिए आए हैं नीचे, तो देखिए तो यहाँ से लोग अब घास काट देंगे, क्योंकि घास सूख चुकी है, तो अब आग लगने का डर भी होता है घास को, तो घास को सुखा के पूरा उसके बाद उस घास को परेड़े पे लगा दिया जाता है, ताकि सर्दियों में जब बर्फ़ वगैरह पड़ती है ना, तो उस टाइम पे वो घास पे जानवरों के काम आ जाती है। जब हम ऊपर नागराजा देवता के मंदिर के लिए जा रहे थे, तो ऊपर पारे मांदरा से होते हुए गए थे, तो मैं कह रहा था आपको कि ये जो खेत है ना सारे, ये चंपा वाला एरिया है सड़क के ऊपर, और सड़क के नीचे इस एरिया को कहते हैं कुंडी। तो इस तरफ ये सारे जो खेत दिख रहे होंगे आपको, ये सारे अब बंजर हो चुके हैं, अब घास इन पर जमी हुई है, आपको दिख ही रहा होगा किस प्रकार इन खेतों की हालत है। और इस तरफ यहाँ राहुल लोगों के खेत थे काफ़ी सारे, यहाँ भी सारे खेत अब बंजर हो चुके हैं, इस तरफ लोग खेती वगैरह अब करते नहीं हैं। अभी जहाँ हम कुंडी पर खड़े हैं ना, यहाँ से हम ये सड़क से होते हुए नहीं जा रहे हैं, यहाँ नीचे से हमारा एक और पुराना रास्ता यहाँ गदेरे से होते हुए जाता है, तो हम यहाँ से जाएंगे अभी। तो अभी हम पूरा ऐसे जंगलों से सुबह से घूम ही रहे हैं, तो जो नागराजा देवता का मंदिर था वो भी ऊपर जंगल में ही था, और अभी फिर से यहाँ जो भगोड़ा वाला रास्ता है कुंडी के नीचे जो पड़ता है एरिया, उसे भगोड़ा कहते हैं। तो अभी हम पहुँच चुके हैं भगोड़े वाले रास्ते पे, तो यहाँ से होते हुए हम अभी घर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ भी ऐसी अब जंगल हो चुका है, पहले यहाँ पूरे ये खेत हुआ करते थे, पेड़ बहुत कम दिखाई देते थे, लेकिन जब से लोगों ने यहाँ खेत छोड़े हैं, काफ़ी साल हो चुके हैं लोगों को यहाँ खेत छोड़े हुए, तब से यहाँ पूरा ऐसे ये चीड़ का जंगल बन चुका है, सारे पेड़ हैं आसपास, खेत अब आपको बहुत कम नज़र आएंगे, पता ही नहीं चलता भाई खेत है कहाँ पे। और बाकी ये घास वगैरह लोग पशुओं के लिए इस्तेमाल कर ही देते हैं जिनके पशु हैं। तो यहाँ से वो देखिए सामने हमारा गांव दिखाई दे रहा है,
तो अभी हम पहुंच चुके हैं अपने गदेरे के पास। यहाँ से जो गदेरा होते हुए जाता है ना हमारे गांव से, तो वहाँ पे काम भी चल रहा है, वो भी दिखाएंगे आपको। वहाँ से होते हुए हम जाएंगे घर की तरफ। बाकी मैं कह रहा था ना यहाँ खेत थे पहले, अब यहाँ पता ही नहीं चलता है कि खेत है कहाँ पे, क्योंकि आसपास सारी ऐसे झाड़ियाँ जम चुकी हैं और पेड़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा इन खेतों में अब उग चुके हैं और काफ़ी साल हो चुके हैं। 15-20 साल ऐसे आप लगा सकते हैं, इतना टाइम हो चुका है इन खेतों को छोड़े हुए। जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे उस टाइम पे हमने कभी देखा होगा यहाँ खेत वगैरह जब रोपाई वगैरह लगती थी इस तरफ। लोग पहुंच चुके हैं यहाँ गदेरे पे अपने, यहाँ पे चल रहा है फिलहाल काम। ये देखिए सीधे चूल्हागढ़ से होते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं अपने गांव में। काफ़ी ज़्यादा अभी पैदल चले हैं आज, और गांव पहुंचते ही इस वीडियो को भी समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपको बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। ये वीडियो आएगी 2-3 पार्ट में, आप देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।